अभी प्रेरणा, मोटिवेशन किन वजहों से प्रभावित होता है? कभी मोटिवेशन कम, कभी ज़्यादा, कभी मोटिवेशन होता ही नहीं, क्रम सारी निष्क्रिय हो जाते, कभी कम से एक्साइटमेंट होकर काम करते हैं। तो किन वजह से मोटिवेशन कम ज़्यादा होता है या मोटिवेशन रुक जाता है? तो अभी प्रेरणा को प्रभावित करने वाले घटक की बात करें तो जैसे कि आपको प्रभावित करने वाले घटक की देखें तो दो तरह के घटक होते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी पढ़ा है उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा। एक तो मौद्रिक या वित्तीय, एक तो मोटिवेशन कम ज़्यादा प्रभावित होने का कारण है मौद्रिक और वित्तीय, ठीक है। दूसरा बात करें कि मोटिवेशन कम ज़्यादा होने का, या मोटिवेशन है या लोगों में या कंपनी के कर्मचारियों में एक्साइटमेंट प्रोत्साहन कम ज़्यादा होना या रुक जाने का कारण होता है अमौद्रिक या वित्तीय। अब डियर इनको समझिए, मैं समझा देता हूँ कि मौद्रिक या ये क्या है। अभी पर इनको प्रभावित करने वाला मौद्रिक घटक क्या है तो इसके अंदर होता है कि मोटिव करने के लिए कभी कभी कर्मचारियों को वित्तीय सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, यानी हम कहें कि उनको मजदूरी बराबर देनी होती है। इसके अलावा बात करें प्रीमियम, ठीक है, ये भी उनको मोटिव पैदा करता है, कम ज़्यादा प्रभावित करता है। या इसके अलावा बात करें कर्मचारियों को बोनस, क्या बात करें बोनस, बोनस तो ज़रूरी है, वेतन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मोटिवेशन यानी मोटिव अभिप्रेरण को प्रभावित करने के मौद्रिक घटक है। क्या है? मौद्रिक घटक। इस वजह से मान लीजिए कर्मचारियों को सैलरी बढ़ा दी और दो कर्मचारियों को नहीं बढ़ाई तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसमें मोटिवेशन नहीं आएगा, उनमें उत्साह नहीं होगा। तो मोटिवेशन को प्रभावित करने के लिए मौद्रिक घटक हो गए। अमौद्रिक घटक क्या है जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं? जैसे एक तो उनमें भय का अभाव, यानी कंपनी के लोगों में भय नहीं होगा तो वो काम के प्रति लापरवाही कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी में ये एनवायरनमेंट भी जरूरी होता है। इसके अलावा बात करें कि जान व सुरक्षा, अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में काम कर रहा हो और वहाँ पर जान और सुरक्षा का खतरा हो तो वो उस कंपनी में पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रिस्की काम है। तो इस तरह से वो अवित्तीय मौद्रिक, अमौद्रिक हो गया या अवित्तीय, क्या कहेंगे, अवित्तीय, ठीक है। इस वजह से ये मोटिव प्रभावित होता है। इसके अलावा मान लें कि प्रशंसा, सत्कार, कंपनी के अंदर ही व्यक्तियों में मोटिवेशन पैदा करने के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि उनमें मोटिवेशन आता है, काम करने की इच्छा उनमें होती है। सम्मान देना, सत्कार करना, और ऐसा नहीं कि काफ़ी बार हमने थोड़ा रियलाइज़ किया है कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति, वह पक्षपाती हो जाता है और वह किसी एक विशेष पक्ष, एक विशेष समुदाय को, एक विशेष कैटेगरी के व्यक्तियों को ही वरीयता देता है। तो इस तरह से कंपनी में मतभेद होता है, कंपनी है वह सही तरह से सफल नहीं हो पाती है और कंपनी को कर्मचारी का सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कर रहा है ना उसका मैनेज करना उसको नहीं आ रहा, उसको मैनेज करना ही नहीं आ रहा, क्योंकि वह सिर्फ मैनेज करने के नाम पर बैठा, उसको आता नहीं है। तो मैनेज करने के लिए होता है कि कंपनी के द्वारा, एक मैनेजमेंट प्रबंधक के द्वारा जो नीति अपनाई जाती है वो समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी अगर एक मैनेजमेंट के, एक प्रबंधक के द्वारा भेदभाव भरी नीति अपनाई जाए तो इस तरह से यहाँ पर कर्मचारियों में ये मनोबल टूट जाता है और मोटिवेशन को ये प्रभावित करते हैं, ये घटक है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट करने के लिए या जो प्रबंधक, जो नेतृत्व करने वाला होता है लीडर, उसमें भी थोड़े समझदारी भरी लक्षण होने चाहिए। बात करते नेक्स्ट योग्य नेतृत्व। जस्ट अभी मैंने बात करी योग्य नेतृत्व, कंपनी को लीडर करने वाला व्यक्ति है ना वह योग्य होना चाहिए, क्वालिफाइड, समझदार, मैनेजमेंट और व्यवहारिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें, भले ही व्यक्ति को पैसा न दिया जाए लेकिन अगर उसको सिंपति, सपोर्ट और हम कहें कि इस तरह से प्रशंसा सत्कार दिया जाता है तो व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। तो ये गुण एक योग्य नेतृत्वकर्ता में होना चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों से किस प्रकार काम लिया जाए, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। इसके अलावा
जिज्ञासा एक ऐसा तत्व है जो व्यक्तियों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित, उसमें मोटिवेशन उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति जो होते हैं वह ज्ञान की लालसा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी काम करने को इच्छुक होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कार्य के प्रति सहभागिता, तो ऐसे और भी हैं लेकिन मैंने कुछ लिस्ट बनाई है कि अभिप्रेरण मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब लास्ट में हम आ जाते हैं कि अभिप्रेरण की, अभिप्रेरण ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभिप्रेरण की जो विचारधारा है उसको देख रहे हैं कि अभिप्रेरण की आधुनिक विचारधारा और परंपरागत विचारधाराओं को हम देखते हैं। एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरी है, ठीक है ना। एक तो परंपरागत होती है, एक आधुनिक होती है, तो परंपरागत और आधुनिक में कौन कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभिप्रेरण की विचारधाराएं, मैं क्या समझा रहा हूँ कि अभिप्रेरण की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। अभिप्रेरण की विचारधारा यानी यहाँ पर हम बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तो अभिप्रेरण की विचारधारा दो तरह की है, ठीक है, दोनों यहाँ पे समझा रहा हूँ और ये अपना लास्ट पॉइंट होगा। इसी के साथ अपना चैप्टर द एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा की विचारधारा की बात करें तो एक तो होती है परंपरागत, क्या होती है परंपरागत, अभिप्रेरण की परंपरागत विचारधारा, यहाँ पे अभिप्रेरण परंपरागत विचार धारा इसको समझिए। और यहाँ पे मैं जो समझाने वाला हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और एक होती है आधुनिक, ओके, तो आगे बढ़े। तो अब इसके अंदर परंपरागत यानी मोटिवेशन यानी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो ये दो टाइप की होती है, यानी मोटिवेशन की दो तरह की विचारधारा, एक तो परंपरागत हुआ करती थी मोटिवेशन की, और वर्तमान में जो मोटिवेशन की विचारधारा है वो आधुनिक हो गई। अब बात करें परंपरागत विचारधारा, अभिप्रेरण की परंपरागत विचारधारा कौन कौन सी है, अभिप्रेरण की परंपरागत विचारधारा, तो परंपरागत विचारधारा में ऐसा माना जाता था कि किसी को मोटिव करने के लिए दंड दिया जाए, ठीक है ना, या फिर उन्हें भय पैदा किया जाए, दंड एव भय, क्योंकि कर्मचारियों को मोटिव करने के लिए कभी कभार उन्हें डर दिया जाता है, डर पैदा किया जाता है, या उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मतलब मान लीजिए कि कहा जाए कि अगर तूने सही पे काम नहीं किया तो चली सैलरी है वो कट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सैलरी कट कर दूंगा। या फिर कभी कभार ये कहा जाता है कि अगर आपने सही समय पर काम नहीं किया है, सही समय पर यह टास्क पूरा नहीं किया तो आपकी जो छुट्टियाँ हैं वो कंपनी की ओर से ले ली जाएगी। तो इस तरह से देखी जाए तो यहाँ पर क्या है कि परंपरागत विचारधारा, इसके अंतर्गत डर और भय उत्पन्न करके कर्मचारियों से काम करवाया जाता था। तो ये समझ में आ गया। इसके अंदर दूसरा हुआ करता था पुरस्कार के द्वारा, परंपरागत विचारधारा में मोटिवेशन लाने के लिए कर्मचारियों के जो प्रबंधक जो मैनेजमेंट होता था वो पुरस्कार देता था कि जो ये टारगेट पूरा करेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसको बोनस दिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी है वो, या जो मैनेज कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है, या एक संस्था के अंदर विभाग के अंदर कर्मचारी है, वो अच्छे से काम कर पाते, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने काम किया तो हमें पुरस्कार मिलेगा। समझ में आ गया। इसके अलावा परंपरागत विधियों में एक और तरीका होता था जो मोटिवेशन की विचारधाराओं से प्रभावित था, वो था कैरेट व स्टिक विचारधारा। कैरेट व स्टिक विचारधारा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैरेट व स्टिक विचारधारा को हम कैसे याद रखें, ठीक है, कैरेट और स्टिक विचारधारा को समझिए। तो इसके अंदर एक सिंपल थ्योरी है जिसको अगर आप समझे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये विचारधारा मोटिवेशन की कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए, जिन व्यक्तियों का कार्य निष्पादन न्यूनतम है, इसके अंदर ये होता है कि कोई व्यक्ति जो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है,
उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कम से कम 10 पेज टाइप करने होते लेकिन वह हमेशा 5 पेज ही टाइप कर पाता है, तो एक कर्मचारी के द्वारा उसके न्यूनतम कार्य निष्पादन से भी नीचे कार्य करता है तो उसे दंड देकर उसे दंडित किया जाता है। तो इस तरह से वह अपने एक तरह से भय या किसी न किसी तरह से वो अपने कार्य के प्रति मोटिव हो जाता है। तो अब ये जो तरीके हैं वह मोटिवेशन देने के लिए कौन से तरीके यानी विचारधारा थी, ये पुरानी विचारधारा हुआ करती, यानी पुराने टाइम में या परंपरागत विचारधाराओं का ये होता है कि अगर हमें मोटिवेशन करना है, अभिप्रेरण करना है, तो जो परंपरागत विचारधारा वो कौन कौन सी है और आधुनिक विचारधारा को मैं आपको समझा देता हूँ। तो आधुनिक विचारधारा में मुख्यतः दो विचारधारा है, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो, ये काफ़ी एक प्रभावशाली विचारक हैं और इसने 1943 के अंतर्गत अब्राहम मैस्लो ने 1943 के अंतर्गत अभिप्रेरणा के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत थ्योरी वो प्रकाशित करवाई थी। और अब्राहम मैस्लो ने ये कहा कि एक व्यक्ति, अब्राहम मैस्लो ने कहा एक जो व्यक्ति है वह अपनी आवश्यकताओं से प्रभावित होकर काम करता है। सिंपल थ्योरी समझिए कि अब्राहम मैस्लो कहता है एक व्यक्ति तभी मोटिव होता है जब उसे ज़रूरत हो। मान लीजिए भूख लग रही है उसे, तो उसे अब कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद काम करेगा। क्या करेगा? खुद ब खुद काम। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसके लिए वह खुद ब खुद क्या होता है, मोटिव होता है, वो काम करता है। तो ये यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि आधुनिक समय की व्यक्तियों को मोटिवेशन करने की विचारधारा मैस्लो की काफ़ी पॉपुलर है कि व्यक्ति मतलब लोग अपनी आवश्यकताओं की वजह से काम करते हैं, मोटिव होते हैं, तो वो व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें मोटिव किया जाए। अब यहाँ पे मैं कुछ पद सोपान को वर्णन करूँगा जिसको आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ कि व्यक्ति काम तभी करता जब उसकी ज़रूरतें होती हैं, या व्यक्ति को जब नीड होती है तभी वह व्यक्ति काम करता है, यह अब्राहम मैस्लो ने कहा। तो इसके अंतर्गत क्या ज़रूरतें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कुछ सोपान सीढ़ियाँ समझा रहा हूँ जो अब्राहम मैस्लो ने बताई। तो सबसे पहले व्यक्ति काम इसलिए करता है क्योंकि इसकी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएँ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कि ये सीढ़ी है कि व्यक्ति को शारीरिक ज़रूरत होती है तभी वह किसी कार्य के प्रति उन्मुक्त होता है। इसके अलावा उसे अपनी सुरक्षा की भावना होती है। नेक्स्ट क्या होती है? सुरक्षा। तो व्यक्ति तभी कोई काम करता है, तभी प्रेरित होता है जब उसे सुरक्षा का एहसास हो कि मुझे मेरे परिवार, मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति प्रभावित होकर मोटिव होकर काम करता है। इसके अलावा उसे समाज में सम्मान, सामाजिक आवश्यकता है। व्यक्ति जब समाज में रहता है तो वह भी सम्मान प्रसिद्धि का भूखा होता है, वह भी चाहता है कि मैं भी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनूं। तो उसे समाज में प्रतिष्ठित होने की लालसा की वजह से व्यक्ति को मोटिव किया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हें एम्प्लॉयज में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दिया जाएगा, तो व्यक्ति एक्साइटमेंट होकर काम करता है। नेक्स्ट बात है सामाजिकता के साथ उस समाज में उसे सम्मान भी मिले, तो व्यक्ति सम्मान की आवश्यकता की वजह से काम करता है। और लास्ट में देखा जाए तो स्वयं उपलब्धि व संतुष्टि, नेक्स्ट। तो इस तरह से ये न्यूनतम है, ये हम कहेंगे आवश्यकता का न्यून स्तर में क्या है, न्यून। तो न्यून से ये हो गया मध्यम स्तर, ठीक है, और ये हो गया उच्चतम स्तर,
तो इस तरह से व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हैं वो अपने विचार बदलता है और मोटिवेशन होता है। तो वर्तमान में आधुनिक समय में व्यक्तियों में मोटिवेशन किस विचारधारा के तहत आता है? अब्राहम मैस्लो कहता है आवश्यकता के अकॉर्डिंग। उनकी शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान या स्वयं की उपलब्धि और संतुष्टि की वजह से व्यक्ति में ये चीज़ें देखी जाती खुद ब खुद। तो ये समझ में आ गया आपको, ये चीज़ अगर अब समझ में आ गई है तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। दूसरा सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत जो दिया है आधुनिक विचारधारा का मोटिवेशन में, वो दिया है अपने मैकग्रेगर का। किसका? मैकग्रेगर का। मैकग्रेगर ने एक्स और वाई सिद्धांत दिया। क्या दिया है? एक्स व वाई, ये ध्यान रखिएगा। मैकग्रेगर का मोटिवेशन आधुनिक समय में अभिप्रेरण का एक्स और वाई सिद्धांत। ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अपने एग्जाम के हिसाब से मोस्ट हो गया। क्या हो गया? मोस्ट हो गया। तो मोस्ट हो गया तो या तो मैंने आपको ये तो समझा दिया। अब बात करते हैं मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत क्या है, एक्स और वाई सिद्धांत क्या है। तो जैसा कि बात करें तो मूल रूप से नकारात्मक और निराशावादी, दूसरा मूल रूप से सकारात्मक और आशावादी है। ये जो दो विचार है, एक तो है आशावादी, एक है निराशावादी। एक है आशावादी, एक है निराशावादी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो एक्स और वाई में एक्स है परंपरागत, मतलब एक इसके मुकाबले थोड़ा परंपरागत है, मतलब थोड़ा पुराना विचार है। लेकिन एक्स सिद्धांत क्या है? तो एक्स सिद्धांत में हम बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति काम से बचना चाहता है और उसे काम लेने की नकारात्मक अभिप्रेरणा आवश्यकता होती है, यानी उसे भय दिखाकर काम लेना। एक्स थ्योरी में क्या होगा? भय से कार्य संपन्न। तो इस तरह से एक्स जो विचारधारा है वह नकारात्मक हो गई और निराशावादी। इसका कहने का अभी जैसे मैंने बताया कि एक कर्मचारी है या एम्प्लॉय, जो कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो काम चोर होते हैं, काम के प्रति भागते हैं, तो उन्हें फिर डर दिखाना होता है, उन्हें भय दिखाकर उनसे काम लेना होता है। तो इस तरह से मैकग्रेगर का एक सिद्धांत काम करता है, भय से कार्य संपन्न करवाना। तो इसको नकारात्मक और निराशावादी कहा जाता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैकग्रेगर का वाय सिद्धांत। मैकग्रेगर का वाय सिद्धांत, तो वाय सिद्धांत जो मैकग्रेगर ने कहा वह एक तरह से एक्स सिद्धांत की दुर्बलताओं की वजह से आया। यानी हम एक सिंपल थ्योरी में ये कहेंगे कि एक्स सिद्धांत की दुर्बलता व दोषों का निवारण, यानी एक्स सिद्धांत में जो कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए या उसकी दुर्बलता और दोषों का निवारण है ये सिद्धांत। क्या है? निवारण के तौर पे ये वाय सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत काम कैसे करता है? तो प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से निष्क्रिय या अविश्वसनीय होता है। पहले तो उसमें एक्टिवनेस लानी पड़ती है, ठीक है। तो यदि विधिवत रूप से व्यक्ति में स्वयं के प्रति निष्ठावान होकर अधिक और श्रेष्ठ कार्य करने की क्षमता उत्पन्न की जाए, सिंपल शब्दों में कहें तो प्रत्येक कर्मचारी अपने काम को महत्व देता है, लेकिन उसके एक अंदर से इच्छा जागृत कर दी जाए, एक विधिवत तरीके से उन्हें मोटिव किया जाए, तो एक्स सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए वाय सिद्धांत है। ये एक्स सिद्धांत की दुर्बलता दोस्तों को दूर करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को
पहले व्यक्ति को समझा जाता है और फिर उसे मोटिवेशन दिया जाता है, यानी विधिवत तरीके से व्यक्ति में मोटिवेशन पैदा करना ताकि अपने कार्य के प्रति वह स्व इच्छा होकर प्रेरित होकर काम करे। वातावरण और मनोभावों के अनुकूल, एक व्यक्ति को उनके वातावरण उनका मनोभाव देखकर उसे मोटिव करना, क्योंकि ज़बरदस्ती मोटिव किया जाता तो व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता शायद खत्म हो जाए, तो उस व्यक्ति की मनोदशा इच्छा को देखते हुए इसे मोटिवेशन करना ताकि इस तरह से मोटिवेशन के द्वारा कार्य निष्पादित हो, व्यक्ति सफल रूप में कार्य कर सके। तो हमने आज की इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करी हैं और इसमें यह समझाने का प्रयास किया है कि अभिप्रेरणा लोक प्रशासन में किस तरह से कार्य करता है और इसका क्या महत्व, उपयोगिता, क्या प्रकार वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो दोबारा महत्वपूर्ण क्लास में मिलेंगे। तब तक टेक केयर एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।